आपका स्वागत है दंगल। आप देख रहे हैं ओबामा के ज्ञान से क्या कांग्रेस परेशान है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अशोक जी, पहले हाफ में बात नहीं हो पाई आपसे, लेकिन आपने सबकी बात सुनी, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, दोनों विश्लेषक क्या कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये एम्बेरसमेंट है बराक ओबामा का ऐसा बयान या ऐसा लिखना? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया रोहित जी अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये दूंगा, मेरे विचार से तो बिल्कुल ही एम्बेरसमेंट है, क्योंकि बराक ओबामा हैं जो प्रेसिडेंट थे, दो टेन्योर्स के लिए, 8 साल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और बहुत उन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी उनको मिला है, बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं वहाँ पर, इरेनियन न्यूक्लियर डील की बहुत उनको माना जाता है, और अभी भी अगर देखा जाए जब वो प्रेसिडेंट बनना उनका ख़त्म हो गया उसके बाद भी बहुत ही निष्पक्ष, अनबायस्ड, बहुत इंटेग्रिटी के और ऑनेस्ट नेता माने जाते हैं, तो इसलिए जो वो कहते हैं उसको बिल्कुल सीरियसली लेना पड़ेगा, उसकी बात वो माननी पड़ेगी। तो पहली तो ये बात है, मेरे विचार से उन्होंने जो कहा है और वो उनका अपना नज़रिया है तो बिल्कुल वो एम्बेरसमेंट है। दूसरी बात है, देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, मैंने कुछ और अखबार में भी पढ़ा है और वो बता सकते हैं जो ये ठीक बात है या नहीं है। बराक ओबामा यहाँ पर आए थे 2017 में, तो अभी 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, क्यों, उसमें एक तस्वीर भी दिखाई गई है, राहुल गांधी जी और बराक ओबामा साथ साथ हैं और उनका बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, एक ट्वीट था राहुल गांधी जी का जो उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई बराक ओबामा से और बड़ी अच्छी हमारी मुलाकात रही, तो इसीलिए ये कहना मेरे ख्याल से थोड़ा गलत होगा, जो 8-10 साल पहले का उनका जो उन्होंने जो समझा था, सोचा समझा था उसके उस पर कह रहे हैं, मेरे विचार से 2-3 साल पहले भी उनकी वहां पर मुलाकात हुई है। दूसरी बात रोहित जी, जो और अपने पैनलिस्ट ने कहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या हुआ, मैं ये बताऊं, देखिए अमरीका की जो अखबारें हैं उन हरेक का अपना एक लीनिंग है, ये वाली जो अखबारें हैं ये बिल्कुल ही लेफ्ट लीनिंग समझी जाती हैं। आप वहां पर न्यूज चैनल्स भी देख लीजिएगा, CNN, CNBC वगैरह, उनको लेफ्ट लीनिंग देखा जाता है, फॉक्स न्यूज को वहां पर राइट लीनिंग देखा जाता है, तो इसीलिए चाहे आप उसकी अखबार का भी वो व्यू मान ले, मेरे विचार से, और यकीनन उनके वो विचार होते हैं, उनकी उस तरफ झुकाव होता है, तब भी एक पूर्व राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उसकी अहमियत कहीं ज्यादा है इसके बनिस्बत कि कोई अखबार में कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है। आपको अभी मालूम होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी वहां के एक सेनेटर, अमेरिका के एक सेनेटर ने एक आर्टिकल लिखा था ट्रंप के फेवर में, वहां के पॉलिटिकल एडिटर को वहां से निकाल दिया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में लेफ्ट लीनिंग है, वहां पर तालिबान के डिप्टी चीफ ने उसमें आर्टिकल लिखा, एडिटोरियल लिखा, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। तो देखिए हरेक इन जो न्यूज़पेपर्स और चैनल्स हैं उनकी अपनी लीनिंग्स हैं, और इसीलिए उसको वैसे मद्देनजर अगर कोई डिवाइडर इन चीफ कहता है, अगर कोई कुछ और कहता है, उसको मद्देनजर हमको रखना चाहिए। और दूसरा है, देखिए जो हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कांग्रेस के, जो राहुल गांधी जी ने इतना इतना काम किया, देखिए गवर्नमेंट में तो वो कभी थे ही नहीं, तो मतलब गवर्नमेंट के बाहर रहकर तो क्या ये माना जाए जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे राहुल गांधी? नहीं कोई बात नहीं, अरे ये वाली जो चीजें आप कह रहे हैं, मैं आप इतने उन्होंने जॉब्स क्रिएट किए, रोहित जी अबे जी उन्होंने आधे घंटे सबको सुना है, कम से कम उनकी बात नहीं, मैं उनका उनका सम्मान कर सकता हूं, उनकी बात पूरी सुन लूं, नहीं नहीं ठीक है, आपको जो एतराज जताने मैं आप ही के पास आऊंगा, इसके बाद आप जताइएगा, कोई आपत्ति नहीं है मेरी, जी जी ये बात पूरी कर लें अपनी, अशोक जी आप बात पूरी करें, और साथ में ये भी सवाल है कि क्या सत्ताधारी पार्टी को ऐसे कमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये अच्छा लगता है, आप बोले नहीं, अब देखिए दिस इज पॉलिटिक्स रोहित जी, अगर वो करना चाहते हैं उसको तो इनका ही अपना वो है, मीनिंग आफ्टर ऑल इफ यू हैव समथिंग बाय व्हिच यू कैन एम्बैरेस योर ओपोनेंट्स तो आप करिए उसको, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, आई एम श्योर व्हेन इट कम्स टू द अदर साइड तो वो भी उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आई लीव इट टू द विजडम ऑफ आइदर ऑफ द टू पार्टीज, वो इसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीनिंग इट इज देयर प्रेरोगेटिव, और मेरे विचार से कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा अगर उनके पास मौका आएगा तो उसको छोड़ेगी नहीं, आई थिंक दिस इज गिवन, आफ्टर ऑल यू आर इन पॉलिटिक्स, ठीक है, अगर आप किसी और उसमें हैं, अगर यू आर इन ब्यूरोक्रेसी या और उसमें हैं तो वहां